जैसे आमतौर पर कोई भी लड़की या महिला थाने और पुलिस के नाम से घबरा जाती है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि पुलिस के लकड़े और पुलिस वालों से दूर ही रहा जाए। महिलाओं की ऐसी सोच के बीच मध्य प्रदेश का एक पुलिस वाला ऐसा भी है जिससे महिलाएं डरती नहीं बल्कि किसी और से डर लगने पर सीधे उसके पास पहुंचती हैं। जी हां, इस पुलिस वाले को करीब 3000 लड़कियां और महिलाएं अपना भाई मानती हैं और जहां जहां इनका ट्रांसफर होता है वहां वहां कुरियर के जरिए इन्हें राखी भेजती हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर लोकायुक्त के इंस्पेक्टर रहे सतीश पटेल की, जो इन दिनों मंडला जिले के खटिया थाने में टीआई हैं। मूल रूप से खरगोन के रहने वाले सतीश थाने में ही अपनी बहनों को बुलाते हैं और उनसे राखी बंधवाते हैं। सतीश एक बार का वाकया याद करके बताते हैं कि वो 2015 में राखी के अवसर सिवनी के छपरा थाने में पोस्टेड थे। उस समय राखी के दिन तक मेरी बहन की राखी मुझे नहीं मिल पाई थी। सबके हाथ पर राखी बंधी हुई थी पर मेरी कलाई सूनी पड़ी थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। सतीश कहते हैं अचानक उनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया, पुलिस आपकी मित्र है, टीआई आपका भाई है, और इसके नीचे लिखा, टीआई होने के नाते क्षेत्र की हर महिला की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि क्षेत्र की कोई महिला या लड़की मुझे राखी बांधना चाहती है तो थाने में उनका भाई उनका स्वागत करेगा। उनका ये मैसेज देखते ही देखते वायरल हो गया। मैसेज वायरल होने के बाद ही उनके थाने की दो महिला सब इंस्पेक्टरों ने उनसे पूछा, सर क्या हम आपको राखी बांध सकते हैं? सतीश ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस दिन शाम तक करीब 70 महिलाएं, जिनमें कुछ स्कूल और कॉलेज की छात्राएं भी थी, राखी, नारियल और मिठाई लेकर थाने आई और उन्होंने सतीश को राखी बांधी। उस दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक चल रहा है। राखी हो या जन्माष्टमी, दूर दूर के थाना क्षेत्रों से महिलाएं आकर पटेल को राखी बांधती हैं। हर राखी पर उनका हाथ पूरा भर जाता है।